Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक का ऑपरेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं तो हम सबको ये पता है कि मोतियाबिंद की बीमारी में आंख के अंदर जो क्लियर लेंस होता है ये बढ़ती उम्र के साथ सफेद हो जाता है और इस ऑपरेशन में इस सफेद लेंस को निकाल दिया जाता है और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दिया जाता है। अब सबसे ज्यादा मरीजों या पेशेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि डॉक्टर साहब मोतियाबिंद ऑपरेशन में कौन सा लेंस डलवाएं, क्योंकि लेंस के आजकल इतनी तरह की क्वालिटीज हैं। इंडियन लेंसेज आते हैं, इंपोर्टेड लेंसेज आते हैं, मोनोफोकल लेंसेज आते हैं, ईड ऑफ लेंसेज आते हैं, मल्टीफोकल लेंसेज आते हैं, इन सब में टॉरिक लेंसेज भी आते हैं। अलग अलग कंपनीज बना रही है, अमेरिकन कंपनीज बना रही है, जॉनसन जॉनसन, एल्कॉन, जर्मन कंपनीज बना रही है, जाइस बना रही है, इंडियन कंपनीज बना रही है। तो कैसे डिसाइड करें कि आंख में कौन सा लेंस डलवाना है? देखिए, वैसे तो ये डिसीजन आपको अपने डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए, वो सारा आपसे डिस्कस करके आपके लिए बेस्ट लेंस चूज करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया एक मरीज को या पेशेंट को होना चाहिए कि आज की डेट में 2024 में कौन से तरह के लेंसेस अवेलेबल हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ रहे हैं कैटरैक्ट के बारे में या सफेद मोतियाबिंद के बारे में। देखिए, हमें यह समझना है कि जो ऊपर वाले ने आंख में लेंस बनाया, ऐसा लेंस इंसान आज तक नहीं बना पाया। तो इंसान ने क्या करा है, तीन तरह के लेंसेस बनाए हैं और इन तीनों लेंसेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और हमें पेशेंट से डिस्कस करके ये डिसीजन लेना होता है कि उस पेशेंट के लिए कौन सा लेंस सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक इंसान को दूर का देखना होता है, जैसे घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना। बीच का देखना होता है, इंटरमीडिएट, जैसे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करना, और पास का देखना होता है, नियर, जैसे पढ़ने लिखने के काम करना। तो तीन तरह के लेंसेज आजकल अवेलेबल है। सबसे पहला लेंस जो अवेलेबल है उसको हम लोग कहते हैं मोनोफोकल लेंस या IOL। IOL का मतलब होता है इंट्राऑक्युलर लेंस, जो लेंस आंख में डाला जाता है। अब देखिए, अगर मोनोफोकल लेंस डालेंगे तो नाम ही मोनो है, मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल फोकस। तो अगर मैं पेशेंट की आंख में मोनोफोकल लेंस डालूंगा तो उस पेशेंट को दूर का तो सारा परफेक्ट दिखेगा, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, सब कुछ वो बिना चश्मे के कर पाएंगे, लेकिन जब भी उनको मोबाइल कंप्यूटर पे काम करना है या पास का रीडिंग का काम करना है तो चश्मा पहनना पड़ेगा। तो मोनोफोकल में क्या होगा, डिस्टेंस वाली विजन बिल्कुल परफेक्ट आएगी, लेकिन इंटरमीडिएट और नियर, इन दोनों के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, सो मोनोफोकल जो है आजकल बहुत ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि इसमें सिंगल फोकस ही मिलता है और अक्सर लोगों का आज के टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर पे काम रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसको हम लोग कहते हैं ईड ऑफ लेंसेस, या कुछ लोग इसको इनहैंस्ड मोनोफोकल कहते हैं या मोनोफोकल प्लस कह देते हैं, अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। ईड ऑफ का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। तो अगर मैं ईड ऑफ लेंस एक इंसान की आंख में डालूंगा तो उस पेशेंट को दूर का साफ दिखेगा बिना चश्मे के, बीच का साफ दिखेगा बिना चश्मे के, और जब भी नियर का काम करना है तो चश्मा हमें पहनना पड़ेगा। और फिर मैं आ जाता हूं मल्टीफोकल, या कुछ लोग इसको ट्राईफोकल लेंसेस कहते हैं। तो ट्राईफोकल का मतलब तीन फोकस, इसका मतलब ट्राईफोकल लेंस में डालूंगा तो पेशेंट को दूर का भी साफ है, बीच का भी साफ है और नजदीक का भी साफ है।
ठीक है जी। तो इतना हमें क्लियर होना जरूरी है कि आप कोई भी लेंस दुनिया में उठा लीजिए, ये जो लेंसेज हैं ये इन तीन की एक कैटेगरी में आ जाएंगे, कोई भी लेंस आप उठा लो। तो क्वेश्चन आता है कि चूज कैसे करें कि किस पेशेंट को कौन सा लेंस देना है, और इन लेंसेज में क्या क्वालिटी सेम आती है, और अगर क्वालिटी सेम आती है तो उसके हिसाब से तो ये लेंस सुनने में सबसे बढ़िया लगता है कि भैया सारा चश्मा हट गया, 100% हट गया, बिना चश्मे के आप सारे काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। देखिए मोनोफोकल लेंस जो है, क्योंकि इसमें एक ही फोकस है तो 100% लाइट जो है वो एक फोकस पे आपके पड़ती है। तो इसका मतलब जब आप मोनोफोकल लेंस डलवाएंगे तो दूर की नजर की जो क्वालिटी आएगी वो बहुत ही शार्प, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी आती है। क्यों? क्योंकि 100% लाइट जो आंख में जा रही है वो एक ही जगह पर फोकस हो रही है। तो मोनोफोकल लेंसेज में डिस्टेंस में जो नजर आती है वो ए प्लस क्वालिटी आती है, बहुत ही हाई क्वालिटी नजर आती है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ता है? मोबाइल कंप्यूटर और पढ़ते हुए चश्मा पहनना पड़ता है। अब मैं आता हूं ईडॉफ में। अब देखिए ईडॉफ में क्या हो रहा है कि जो आंख में लाइट आ रही है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करा जा रहा है। तो जो लाइट आ रही है, कुछ लाइट डिस्टेंस के लिए जा रही है और कुछ लाइट जो है वो इंटरमीडिएट के लिए जा रही है। क्योंकि इस लेंस में सिस्टम ऐसा बना है कि जो लाइट आ रही है वो दो जगह पर या कंटिन्यूअस एक फोकस बनाती है। तो जब मैं ईडॉफ लेंस डालूंगा तो क्योंकि लाइट अब 100% नहीं मिल रही है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है एक तरह से, तो डिस्टेंस की जो क्वालिटी आती है वो ए आती है, अच्छी क्वालिटी आती है। लेकिन इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आ सकती जितनी मोनोफोकल में आती है, क्योंकि मोनोफोकल में 100% लाइट जा रही है, इसमें थोड़ा सा लाइट डिवाइड हो जाती है। लेकिन एडवांटेज आपको यह मिल जाता है कि मोबाइल कंप्यूटर आपको दिख जाता है। अच्छा आगे मैं जाऊं मल्टीफोकल ट्राईफोकल, तो आप ये देखिए लाइट एक दो तीन हिस्से में डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस की क्वालिटी जो है, जो विजन की शार्पनेस है, वो और थोड़ी सी कम हो जाती है। तो डिस्टेंस में जो ट्राइफोकल या मल्टीफोकल में क्वालिटी आएगी वो ए माइनस आती है। तो ये ए माइनस है, ये ए है, ये ए प्लस है। तो डिस्टेंस की क्वालिटी जो है वो चेंज होती जाती है जैसे हम लेंसेज को चेंज करते हैं। साथ ही साथ मल्टीफोकल लेंसेज जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। क्यों नहीं पॉपुलर हो पाए? क्योंकि ऑल्दो ये आपको दिखाते तो हैं तीनों डिस्टेंसेस, लेकिन इन लेंसेज में कुछ इस तरह से रिंग्स होती हैं। और जब ये लेंस हम आंख में डालते हैं तो रात के टाइम पे इंसान को जब गाड़ी चला रहा है या रात को निकल रहा है, बल्ब देख रहा है, स्ट्रीट लाइट देख रहा है, तो उस लाइट के अराउंड पेशेंट को छल्ला सा दिखता है। उसको हम लोग कहते हैं हेलोस एंड ग्लेयर्स। तो मल्टीफोकल में क्या डिसएडवांटेज है? एक तो डिस्टेंस की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई, और रात के टाइम पे हेलोस एंड ग्लेयर्स का प्रॉब्लम बनता है। इसीलिए मल्टीफोकल लेंसेज ऑल्दो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि तीनों क्लियर हो गया, लेकिन डलाने के लिए हम लोग हार्डली 1% लोगों में डालते हैं। 90% लोगों में ईडॉफ लेंस को डाला जाता है कि आपका दूर क्लियर है, इंटरमीडिएट क्लियर है। अब आप देखिए क्योंकि ईडॉफ में लाइट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो रात के टाइम पे जब आप गाड़ी चलाएंगे या सड़क पे निकलेंगे तो हल्का सा ग्लेयर लगेगा, वो इसमें नहीं लगेगा, लेकिन इसमें हल्का सा ग्लेयर रात के टाइम पे थोड़ा सा लाइट फैली हुई लगती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होती तो पेशेंट इसमें कंफर्टेबल रहता है। इसमें जो लाइट फैलती है वो ज्यादा फैलती है, इसमें जो छल्ला दिखता है वो ज्यादा दिखता है। तो अक्सर मैंने आपको ये वीडियोस में भी दिखाया हुआ है कि कितने सारे लोग मल्टीफोकल लेंस डलवा लेते हैं, फिर वापस आते हैं, चेंज कराते हैं और ईडॉफ लेंस डलवाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा और समझना है, और मोनोफोकल तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, ठीक है। अब एक दो चीजें मुझे और समझानी है। अब मैं सपोज आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से एल्कॉन कंपनी का एग्जाम्पल देता हूं।
अल्कॉन जो है आई की फील्ड में एक तरह की लीडर है। अल्कॉन के लेंसेज जो है एक तरह से पूरे वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊं अगर अल्कॉन के बारे में, तो मोनोफोकल लेंस जो अल्कॉन बनाता है उसको कहते हैं क्लैरियन लेंस, क्लैरियन मोनोफोकल। जो ईडोफ लेंस अल्कॉन बनाता है उसको कहते हैं विविटी लेंस, या अब जो नया आ गया है क्लैरियन विविटी लेंस। और जो ट्राइफोकल बनाता है अल्कॉन उसको कहते हैं पैन ऑप्टिक्स लेंस, मल्टीफोकल लेंस। तो अल्कॉन जो है ये वाला लेंस भी बना रहा है, ये वाला लेंस भी बना रहा है, ये वाला लेंस भी बना रहा है। ऐसी आप दूसरी कंपनी को ले लो, जॉनसन जॉनसन को ले लो, तो जॉनसन जॉनसन भी ये वाला लेंस बनाता है मोनोफोकल, इसका नाम है टेक्निस वन। जॉनसन जॉनसन भी ईडोफ लेंस बनाता है, इसका नाम है आई हैंस लेंस। जॉनसन जॉनसन भी मल्टीफोकल लेंस बनाता है, उसका नाम है सिनर्जी लेंस। और ऐसी सारी कंपनीज जो है ये इन तीन कैटेगरीज में लेंसेज बनाती हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं। देखिए, इन सब लेंसेज में एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं टॉरिक लेंसेज। टॉरिक लेंसेज का मतलब है कि अगर आपकी आंख में सिलेंडर नंबर का भी चश्मा है तो उस सिलेंडर नंबर को भी हम ठीक कर सकते हैं और विजन की क्वालिटी और अच्छी दे सकते हैं। तो ये टॉरिक वेरिएंट्स जो है ये मोनोफोकल में भी आता है, ईडोफ में भी आता है, ट्राइफोकल में भी आता है। तो टॉरिक कब डलेगा? जब आंख में जो सिलेंडर पावर है वो 0.75 डायोप्टर से होगी या उससे ऊपर होगी। तो इतना सिलेंडर है तो टॉरिक वेरिएंट डलेगा। तो अब तीन सारी कंपनीज टॉरिक भी बनाती हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं जॉनसन जॉनसन के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं जॉनसन जॉनसन टेक्निस वन टॉरिक, जॉनसन जॉनसन आई हैंस टॉरिक ईडोफ वाला, जॉनसन जॉनसन सिनर्जी टॉरिक। ऐसे ही अल्कॉन की बात करूं तो अल्कॉन भी क्लैरियन मोनोफोकल टॉरिक में बनाता है, विविटी टॉरिक में बनाता है, सिनर्जी सॉरी पैन ऑप्टिक्स टॉरिक में बनाता है टॉरिक, ठीक है। तो ये सारे जो कंपनीज हैं ये प्लेन मोनोफोकल, प्लेन ईडोफ, प्लेन ट्राइफोकल बनाती है, और साथ ही में टॉरिक मोनोफोकल, टॉरिक ईडोफ और टॉरिक ट्राइफोकल बनाती है, ठीक है जी। अब इतना को समझने के बाद पेशेंट हमसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पूछते हैं डॉक्टर साहब एक लेंस बता दो कौन सा हम सूट करेगा, कौन सा लेंस डलवाएं। तो देखिए, अगर हाउसवाइफ्स हैं या रिटायर्ड लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा गाड़ी चलाने का या रात को निकलने का नहीं होता, ऐसे लोगों में मल्टीफोकल या ट्राइफोकल चूज करा जा सकता है। जिन लोगों के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है या कोई और इश्यू है आंख में जहां पे फ्यूचर ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोगों में मोनोफोकल लेंस चूज करा जाता है। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग जो नॉर्मल है उन लोगों में ईडोफ लेंस को चूज करा जाता है। तो 90% लोग जो है वो ईडोफ लेंस को डलवाते हैं। अब ईडोफ लेंस में दो लेंसेज हैं जो बहुत पॉपुलर है। कौन सा पॉपुलर है? एक जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस आई हैंस लेंस है, ईडोफ कैटेगरी का बहुत पॉपुलर है, और एक अल्कॉन का विविटी लेंस है ईडोफ कैटेगरी का, ये भी बहुत पॉपुलर है। तो इन दोनों लेंसेज में पेशेंट को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि डॉक्टर साहब दोनों टॉप ऑफ द लाइन लेंसेज हैं, दोनों अमेरिकन कंपनीज हैं, दोनों बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो ये डलवाएं कि ये डलवाएं, इन दोनों में क्या फर्क रहता है? देखिए, जो आई हैंस लेंस है ना, ये आपको दूर का दिखाता है और बीच का दिखाता है, लेकिन बीच का बहुत ज्यादा बीच नहीं दिखाता, थोड़ा सा दूर तक दिखाता है। तो हम कहते हैं आई हैंस जो है दूर का दिखाएगा एंड फार इंटरमीडिएट, मतलब बीच का दिखा देगा लेकिन बीच का आगे वाला हिस्सा दिखाएगा, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाएगा। तो अगर मैं टेक्निस आई हैंस डालूंगा तो दूर की नजर साफ और बीच का पेशेंट यहां तक पढ़ पाएंगे, और यही मैं अगर विविटी डालूंगा तो दूर की नजर के साथ साथ पेशेंट और क्लोज और पास से नियर का या कुछ इंटरमीडिएट नियर इंटरमीडिएट भी पढ़ पाएंगे। तो विविटी लेंस जो है ये ज्यादा डेप्थ देता है, ज्यादा पास तक दिखा सकता है, वहीं आई हैंस जो है वो बहुत ज्यादा पास तक नहीं दिखाता, थोड़ा सा इस विविटी के कंपैरिजन में दूर का दिखाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जितना हम पास आते जाएंगे, जितना हम पास का चश्मा हटाते जाएंगे
उतना रात के टाइम पे लाइट फैलना या ग्लेयर की प्रॉब्लम बनेगी। तो अगर मैं विविटी लेंस डालूंगा तो थोड़ी सी रात के टाइम लाइटें ज्यादा फैलेंगी, और अगर मैं आई हैंड्स डालूंगा तो लाइटें थोड़ा कम फैलेंगी। लेकिन विविटी आपको थोड़ा सा नियर का एडवांटेज ज्यादा देगा, आई हैंड्स जो है वो नियर का एडवांटेज विविटी के कंपैरिजन में थोड़ा कम देगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जब नॉर्मल एक इंसान है जिसकी आंख में ये लेंस नहीं डला होता, वो भी तो सब कुछ देख रहा है, दूर का, बीच का, पास का, तो वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी आंख में नेचुरल लेंस है ना, जो नेचर ने बनाया है, ये एक सॉफ्ट लेंस होता है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो जब एक यंग इंसान दूर का देखता है तो वो 100% लाइट देख रहा है, बीच का देखता है तो 100% लाइट फोकस है, नियर का देख रहा है तो 100% लाइट फोकस है। लेकिन जब लेंसेज तो एक इंसान वैसे बना नहीं पाया, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के उन्होंने लेंसेज बना दिए। तो बेसिकली इसको मेरे को सारा कुछ ये समझाने का पर्पस था कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो रादर देन आस्किंग कि आप कौन सा कंपनी का डाल रहे हो, कौन सा ब्रांड डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप डॉक्टर से अपने पूछे कि डॉक्टर साहब कौन सी कैटेगरी का लेंस पहले तो मेरी आंख में डल रहा है, उससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, डिस्टेंस विजन में क्या वेरिएशन आएंगी, और साथ ही साथ अब जब आप डिसाइड करते हैं कौन सा टाइप का डलाना है, फिर आप ब्रांड्स का पूछना शुरू करिए कि इंपोर्टेड कौन से आते हैं, अमेरिकन कौन से हैं, जर्मन कौन से हैं, इंडियन कौन से हैं, फिर आप अपने डॉक्टर से फर्दर डिस्कस करके अपने फाइनल लेंस जो है मोतियाबिंद के लिए उसको चूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से और क्लैरिटी मिली होगी कि मोतियाबिंद के लिए लेंसेज को कैसे चूज करना है। फिर भी मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।